गाइस वेलकम बैक। न्यू वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मटर पनीर की चटपटी मसालेदार सब्जी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सामान लिया है। मैंने लिया है कटिंग की हुई पनीर और मैंने लिया मटर और मटर पनीर का मसाला। और गाइस टमाटर को बॉईल करने के बाद मैंने इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है और अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट मिक्सर में, दो प्याज की गाठी, एक प्याज लहसुन की गाठी और अदरक का पेस्ट इस तरीके से तैयार कर लेंगे मिक्सर में पीस के। तो गैस चलते हैं गैस की तरफ, बनाएंगे चटपटा मसालेदार मटर पनीर। तो गैस अगर मैं आप दी चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं गैस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गैस देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, लोहे की कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे एक चमचा कड़वा तेल। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक ताकि तेल की झाग जो होती है निकल जाए, अच्छे से गर्म भी हो जाएगा। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे। सबसे पहले लेंगे प्याज लहसुन का पेस्ट, ऑयल गर्म हो चुका है इसमें डाल देंगे। प्याज को गैस गुलाबी होने तक इसको भूनेंगे, जब तक ये भुन रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, कटोरी में डालेंगे टर्मरिक पाउडर आधा टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे तो गैस थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, और आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डालेंगे गैस, आधा कप पानी और इसको चला लेंगे। तो गैस मसाला तैयार हो गया है। इसी तरीके से गैस ये पनीर मसाला जो है मैंने लिया है, इसको भी मटर पनीर मसाला, इसको भी दूध में चाहे तो आप भिगो के डाल सकते हैं या आप पानी में। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस प्याज जो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाबी भुन चुका है। अब इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था तो उसमें डाल देंगे, इसको चलाएंगे। मसाले को भून लेंगे पहले, जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है इस पैकेट को खोलकर। तो गाइस पैकेट को खोलकर कटोरी में निकाल लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, चाहे तो आप दूध ले सकते हैं, आधा कप समथिंग मैंने पानी डाला है, और इसको इस तरीके से चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे, फिर इसको चलाएंगे। अब जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, चाहे तो आप कच्चे टमाटर भी पीस सकते हैं गाइस, मैंने बॉइल किया है, बॉइल करके इसको पीस लिया है मिक्सी में, तो इसमें डाल देंगे, फिर इसको चलाएंगे। तो गाइस मटर पनीर की आप देख सकते हैं ग्रेवी तैयार हो रही है चटपटी मसालेदार। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे ताकि इसकी जो चिट होती है ऊपर जाती है तो आपकी गैस ख़राब ना हो जाए और सबका भी ख़राब नहीं होगा। और गैस को लो फ्लेम पर कर दिया, तो इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे पनीर। पहले मटर डालेंगे, पनीर को गैस आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया है। तो गैस इसको चलाएंगे, वो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी तैयार हो गई है। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे, तो इसको भी 5 मिनट गैस भून लेंगे। और जैसा आप चाहें तो इसको सूखा पसंद करते हैं तो आप इसको गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और ढक देंगे, तो ये सूखा मटर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैं सूखा नहीं बना रही हूँ, मैं बनाऊँगी रसीला। तो गाइस इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे, तो ये गाइस 2 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है, और इसको चलाएंगे। तो गाइस कैसा लगा चटपटा मसालेदार मटर पनीर? अब इसको ढक देंगे किसी ढक्कन से या थाली से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो। तो इसको मैंने दिया है ढक, ढकने के बाद मिलते हैं गाइस 15 मिनट के बाद। गैस को थोड़ा लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, ढक्कन को खोलेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं चटपटा मसालेदार मटर पनीर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं और इसको सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, इसको चाहे तो आप चावल से, रोटी से या पूड़ी से, या आपके घर कोई गेस्ट आए हुए हों उनके लिए बनाना हो तो आप फटाफट आप मटर पनीर की सब्जी इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए देर न करते हुए सर्व कर लेते हैं।
तो ये रहा स्पाइसी मटर पनीर। तो गाइस मटर पनीर बनके तैयार हो गया है, इसको मैंने सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया डाल सकते हैं, अवेलेबल आपके पास हो तो। गाइस धनिया से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो गाइस इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है मटर पनीर। तो गाइस आपको मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक मेरा नया चैनल है, उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को देखकर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसको चाहें तो आप चावल से खाइएगा या पूड़ी से, सब्जी से, कचौड़ी से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे आप खाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।